उस टाइम एस्केलेटर में चल रहे रोंडा इसलिए डरा हुआ था, डरा डरा था। Hi guys, welcome back to our channel. This is the Devesh Kadam Vlogs. अभी हम निकल रहे हैं पहाड़ों के सफर पे कुछ नए पुराने दोस्तों के साथ और फिलहाल आगे की वीडियो में आपको देखने मिलेगा हमारी एक और नई ट्रैवल सीरीज जो कि लेके जाने वाली है आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली नदियां और कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल व्यूज। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और फटाक से चलते हैं वीडियो की और आगे। लेट्स गो। जर्नी के बारे में आपको बताएंगे जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा। फिलहाल देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं अभी स्टेशन पे। भारतीय रेल सेवा की ट्रेन चालू। ठीक है भैया, के पास लेके आ जाता हूँ। भाई लगभग 4 घंटे सफ़र के बाद, नहीं 4 नहीं ऑलमोस्ट, हाँ 5 घंटे हो गए और उसमें 3 घंटे सोने का हम अभी पहुँचे हैं पेंडर रोड, जहाँ इससे पहले मैं 1 महीने पहले भी आया था। और अभी लगभग 1000 किलोमीटर या फिर 1200 किलोमीटर लगभग कवर करते हुए अभी हम पहुंच गए आगरा। और यार पूरी रात तो मैं सोया ही हुआ था और ऑलमोस्ट अभी कोहरा वोहरा छाया हुआ है और बहुत ठंड भी है। तो फिलहाल अभी दिल्ली पहुंचने में अभी भी थोड़ा टाइम है, लगभग यहाँ से 2 घंटे और है। सो जैसा भी होगा सारी चीज़ आपको पहुँच के बताएंगे वहाँ पर। और फिलहाल मेरा दोस्त भी पता नहीं कहाँ चले गया छोड़ के और कुछ लोग आ रहे हैं पूछेंगे देखते हैं। हाँ भाई आगरा पहुँच गए यार, बहुत अच्छा लगा। ठीक है ठीक है। कैसा गई अपनी रात? क्या रात में भीड़ में थी पूरी? अरे जगह नहीं था नीचे नहीं, मेरे पास सीट था मैं सोया हुआ था। अपन कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। अब लोग तो भाई मेरे सामने है, ये है दिल्ली का स्टेशन, दिल्ली सफदरगंज। वैसे एक छोटा स्टेशन है दिल्ली का, जैसे भिलाई का हमारा पावर हाउस स्टेशन है। तो भाई दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन तो नहीं दिख रही मगर दिल्ली की हवा में ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और हम पहुंच गए सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास, अभी टाइम हो रहा है और हम पहुंच गए दिल्ली और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ दिल्ली और ये इस बार दिल्ली में हमको अभी तो फिलहाल हमें मनाली के निकलना शाम को एंड वहाँ से आपको बताएंगे दिल्ली में कैसा है, कहाँ रुकने वाले, सारी चीज़ें दिखाएंगे आगे। फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो के लिए, पता नहीं ऐसे मेट्रो किधर मिलेगी। तो भाई दिल्ली की सड़कों का हाल कुछ ऐसा साफ। अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल तो लगभग मेट्रो के लिए, काफ़ी देर से वॉक कर रहे हैं मगर ये मेट्रो स्टेशन है कि आ ही नहीं रहा है और फिर भी लगभग अभी हम लोग 100 मीटर की दूरी पे हैं मेट्रो स्टेशन से एंड देन वहाँ से हम लोग निकलेंगे लाल किला के लिए एंड उसके बाद आगे का जो भी प्रोग्राम रहेगा वो आपको आगे के वीडियो में बता देंगे हम लोग। तो चलो थोड़ा और वॉक कर लेते हैं फिर पहुँच जाएंगे मेट्रो स्टेशन। सो फाइनली अभी एंट्री होने वाली मेट्रो स्टेशन में और यार पीछे दिखा दो एकदम ट्रैफिक ग्रीन सिग्नल है, पूरा सिग्नल के बीच ही रहता है ऐसा मेट्रो स्टेशन। और हाँ फिलहाल तो अभी हम मेट्रो स्टेशन के अंदर कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं करने वाले भाई, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी वगैरह पे फाइन रहती 500-600 हज़ार जितने की भी रहती मैं नहीं दे पाऊँगा। तो फिलहाल अब यहीं पे बंद करते हैं और जहाँ पे नेक्स्ट उतरेंगे मेट्रो से बाहर निकलेंगे तब वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं फिलहाल अभी लाल किला के लिए। यह तेरे बिहार का वो अपना लोकल ट्रेन नहीं है? आर्मी डे वे। अच्छा
पहले मेट्रो में तो इतना कन्फ्यूजन हो रहा था कहाँ जाए, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो भाई यार फिलहाल तो अभी जामा मस्जिद के पास है हम लोग, और अभी देखते हैं यहाँ पे कहाँ आसपास रूम लेना है हमें। और ये चांदनी चौक वाला भी इलाका यही है, और सामने हमें लाल किला भी दिख रहा है। तो देखते हैं कहाँ जाते, कौन से रूम में रुकते, जैसा भी रहेगा आपको आगे बताएंगे वीडियो पे। ओके यार, तो रूम ढूंढते बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, उसमें मैंने टी शर्ट वगैरह उतार दी। सो अभी हमने जामा मस्जिद का रूम ले लिया है, और ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं ताकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा आसपास, दिल्ली घूमेंगे शाम तक, और फिर हम निकलेंगे कहाँ के लिए आपको आगे बताएंगे आगे वीडियो। तो ये ब्लॉग करते हैं एंड। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। फिलहाल तो मैं अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे, तुरंत मैंने आते ही साथ अपना डेटा ट्रांसफ़र का काम चालू कर दिया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय, जय हिंद।